हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आप देख रहे हैं ऑलराउंडर, मैं आपका भाई आतिफ खान। तो फिलहाल आज मैं आपको दिखाऊंगा कि नाइट में किन चीज़ों से सावधान रहना है और नाइट में कैसे काम करना है, नाइट में किन बातों का ध्यान रखना है। और फिलहाल टाइम हो गया 12:21, ठीक है। तो आज हम दिखाएंगे आपको, और दिन है जो आज शनिवार की रात हो गई है, सैटरडे नाइट। इस दिन काम अच्छा होता है, मैंने इसलिए रात को निकल रहा हूँ क्योंकि संडे तक सुबह काम करूंगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि काम कितने का हुआ है मेरा, ठीक है। ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और भाई को थोड़ा सपोर्ट कर देना, ठीक है। तो चलते हैं अपने काम की ओर, आईडी ऑन करते हैं अपने, दिखाते हैं आपको। तो फिलहाल हमने ना अपनी आईडी ऑन कर दी है काफी दिनों बाद, ठीक है। देखो रेड रेड हो रहा है, यहाँ पर काम ज्यादा है। ये देखो जो हो रखा है, हाई डिमांड एरिया है ये अजोरी गार्डन अपना जहाँ पर मैं हूँ। थोड़ा हल्का सा काम है यहाँ पर, दिखाएंगे आपको, और जो रात की जो सेफ्टी है वो बताएंगे आपको, क्योंकि काफ़ी हमारे एक भाई ड्राइवर थे, उनकी डेथ हो गई थी ये अपना जाफराबाद के पास। किसी ने मतलब रात में 4-5 लड़कों ने, ये देखिए ट्रिप आ गई मंडावली की। तो मंडावली फिलहाल हम जाएंगे नहीं, तो फिलहाल हमारी यहाँ पर राइड तो आने रही है, तो हम निकलेंगे आगे की तरफ। और साथ साथ हम दिखाएंगे आपको कार व्लॉगिंग, लोग डालते हैं मोटर व्लॉगिंग और हम दिखाएंगे आपको कार व्लॉगिंग दिल्ली की। टाइम तो ज्यादा हो रखा है, ठीक है। आज टाइम हो रखा है 12 बज गए हैं, लेकिन रोड पे काफी भीड़ है क्योंकि आज सैटरडे नाइट आउट है, जो कि दिल्ली की फेमस है कि सैटरडे को नाइट आउट करेंगे। टैक्सी वाले सब गाड़ी चला रहे हैं, और इस दिन लोग थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, शनिवार को रात को थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। तो आप थोड़ा रात में इन चीज़ों को ध्यान रखें कि कौन भाई ड्रिंक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, तो उसको देख के बैठा लें शनिवार को रात को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे आप रात में 12 बजे के बाद किसी टाइम भी फ्री हैं, ठीक है, आपको ट्रिप नहीं मिल पा रही है, तो आप गाड़ी कहाँ पर रुके। पहली चीज़ तो गाड़ी आप सबसे ज़्यादा सजेस्ट मैं यही करूँगा कि गाड़ी आप रोकें पेट्रोल पंप पर, क्योंकि वहाँ पर कैमरे वगैरह भी होते हैं और बाकी ड्राइवर वगैरह भी वहीं वेट करते हैं पेट्रोल पंप के पास, और थोड़ी लाइटिंग वगैरह भी होती है, और कुछ पेट्रोल पंप तो ओपन होते हैं 24 घंटे ही। तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ लगा के गाड़ी आराम कर सकते हैं, सो भी सकते हैं 1-2 घंटा। और दूसरी चीज़, जहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड एरिया हो, जहाँ पर थोड़े लोग हों, आपको कहीं आंखें देख रही हो, वहाँ पर आप आराम से सो सकते हैं, सेफ हैं, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी कभी भी सुनसान जगह पर, या लोग देखा है मैंने, ड्राइवर को नींद आती है तो कहीं भी अकेले में गाड़ी लगा के सो जाते हैं। और हमेशा गाड़ी की जो शीशे है ना, शीशे हमेशा ऊपर करें, भले गर्मी लग रही है आपको, थोड़ा एसी चला लें, रिस्क ना लें, शीशे खोल के ना सोएं, क्योंकि जो भी स्मैकिया वगैरह का चोर वगैरह आ जाएगा, आपको कुछ भी सुंघा के ना कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। फिलहाल तो सुनसान जगह पर बिल्कुल ना रोक, और गाड़ी आप वहाँ भी रोक सकते हैं जहाँ पर हमारे कई ड्राइवर भाई जो रात में जो काम करते हैं उनकी गाड़ियाँ लगी हों, आप उनसे चिपका कर लगा सकते हैं गाड़ी, वहाँ पर भी रुक सकते हैं। और जब आपकी ट्रिप आ जाए रात में, अगर आप कहीं जैसे कि कोई सोसाइटी है वहाँ से पिकअप नहीं कर रहे हैं, कहीं जंगल में पिकअप कर रहे हैं, तो कस्टमर देख लीजिए, और मैं कहूँगा पिकअप को उसको अवॉइड करिए, और सिंगल बंदा अगर है तो पिकअप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा रात को ना जो पिकअप करें वो आप सोसाइटी से करें, या क्लब वगैरह में होते हैं वहाँ से पिकअप करें, तो आपको वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो बुक करी, वो बोले भाई साहब मैं अपनी लोकेशन पर नहीं खड़ा, मैं आपको आगे मिल रहा हूँ, ठीक है। जैसे उसने लोकेशन डाली है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेन डाली है, मेन रोड की लोकेशन उसने, ठीक है। वो बाद में फ़ोन करके बोल रहा है, भाई साहब आप ना थोड़ा आगे आ जाइए 2-3 किलोमीटर, मैं वहाँ खड़ा हूँ। तो आप वहाँ से कभी पिकअप मत करना, वो फ्रॉड भी हो सकते हैं, वो आपके साथ कोई भी सीन कर सकते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखना, जहाँ की लोकेशन है वहीं से उठाएं, और कस्टमर देखकर उठाएं, कस्टमर बात करने का तरीका, उसकी रेटिंग देखकर, जो रेटिंग आती है ऊपर, रेटिंग कितने स्टार है वो देखकर ही उठाएं। और जिस इंसान नशे कर रखे हो, ड्रिंक कर रखी हो, तो उसको अवॉइड ही करना रात में। अगर ड्रिंक कर भी रखी है बंदा पर्सन, अगर वो ठीक है, आपको बातों से पता लग जाएगा, ज़्यादा नशे में तो नहीं है, और सिंगल या 2 बंदे हों बस बहुत ठीक है, 4 लड़के हों या आपको लग रहा है कि लड़के ठीक नहीं है, तो आप उसमें डाल दो नॉट सेफ टू पिकअप,
ठीक है, पिकअप कर सकते हैं फिर उसके बाद। और तीसरी चीज इसके अलावा, अगर आपकी रात में जो भी बुकिंग आती है आउट स्टेशन की, दिल्ली से बाहर जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो आप, ठीक है, या आप कहीं से भी बाहर जा रहे हो, आपकी ट्रिप लंबी है चार पाँच घंटों की, तो उसमें आप थोड़ा देख के बिठा लीजिएगा, क्योंकि लंबी ट्रिप है, खुदा ना खास्ता कोई बात हो, तो थोड़ा सेफ तरीके से उठाइएगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, ड्रिंक वाला कस्टमर नहीं बिठाना जो आपको लगे कि हाँ भाई शक्ल से जैसे आप जज कर लेते हैं लोगों को, हर बंदा कर लेता है, पहचान में तो आ जाता है, हम 10 लोगों से डेली मिलते हैं, तो उस चीज़ को देख के बैठा लीजिएगा आप, डिसेंट लोग हों, समझ जाओगे आप बात करते ही, उनको पिकअप करके आप ड्रॉप कर सकते हैं आराम से। और रात में तो और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई गाड़ी रोक रहा है तो गाड़ी मत रोको रात में, ठीक है। कोई अगर बच्चा भी लिफ्ट मांग रहा है ना, कोई आंटी लिफ्ट मांग रही, जब भी लिफ्ट मत दो उसको, उनकी कोई चाल हो सकती है वो, ठीक है। किसी को कोई लेडीज हाथ दे, कोई जेंट्स दे, मत बैठा लो किसी को भी, जमाना वो नहीं है आजकल कि आप किसी को लिफ्ट दो आपके साथ अच्छा कर जाए, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है रात को, ठीक है। तो हमारी 20 से 25 मिनट वेट करने के बाद पहली ट्रिप आ गई है, जो कि 800 मीटर पर खड़ी है, 2 मिनट का टाइम लगेगा जाने में, यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। सुशील नाम है भाई का, चलते हैं अपनी ट्रिप की तरफ, पिकअप करके उनको छोड़ेंगे, 15 मिनट का ड्रॉप लोकेशन है यहाँ से 8 किलोमीटर। तो फिलहाल टाइम होगा 2:24, तो मैंने देखी एक ट्रिप इसमें मारी है 291 रुपए की, जो थी 28.5 किलोमीटर की, 291 रुपए मेरे को मिले। मैंने अभी तक एक ट्रिप मारी है बस उबर के अंदर, और एक ट्रिप मारी है मैंने ओला के अंदर, जिसके मेरे को 192 रुपए मिले। तो मैंने टोटल अभी 2 ही ट्रिप मारी है 12 बजे के बाद से। और हमारे सामने देखिए एक कैब ये भाई खड़े हैं, मैंने गाड़ी यहीं रोकी है ताकि कोई दिक्कत ना हो, और एक कैब उसके आगे खड़ी है, देखो देख सकते हैं आप, थोड़ा रश आज रोड पे सही है। तो ये ट्रिप कंप्लीट करने के बाद मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे को अभी तीसरी ट्रिप का वेट है, जो कि अभी कोई ट्रिप मेरे को मिली नहीं है, देखते हैं कब मिलेगी ट्रिप। और जब भी आप कस्टमर को ड्रॉप करें रात को, तो तुरंत हैंड टू हैंड गेट लॉक कर लें अपने, अगर गाड़ी आपकी मैनुअल है तो हाथों से गेट लॉक कर लें, और आपकी वाली ऑटोमेटिक है तो यहाँ से बटन दबा के लॉक कर सकते हैं गाड़ी। लॉक करना हम ना भूलें हमेशा, गाड़ी कस्टमर को ड्रॉप करें तो लॉक करें हैंड टू हैंड, जब कस्टमर आए जब भी गेट खोल लें अपना, ठीक है। अभी मैंने देखा एक जोमेटो वाला भाई था मेरे साथ, मेरे पीछे लेडीज कस्टमर बैठी थी, जो कि मतलब ठीक ठाक कस्टमर थी, अच्छी कस्टमर थी, तो मैंने देखा भाई दोनों इसमें किए ना उसको रोक के खड़े हुए थे, तो फिलहाल मैं क्या बोलता, मेरे पीछे तो ऑलरेडी ये लेडीज कस्टमर था, तो मैं इस चक्कर में रुका नहीं वहाँ पर, अगर मेरे साथ 2-3 लड़की होते तो मैं रुकने की सोचता भी। एक बार मेरे पीछे बैठी थी जिनको मैंने ड्रॉप किया है अभी, तो उन लेडी ने मेरे को बताया कि उनकी कोई फ्रेंड है, उसने नस काट ली हाथ की, मतलब उनके जो बॉयफ्रेंड थे इस चक्कर में। तो मैं आपसे ये चीज़ बोलूँगा कि प्यार करो भाई साहब, लेकिन ऐसा प्यार मत करो कि नशे काट रहा हो, नशे मत काटो, बनो सक्सेसफुल, बनो लाइफ में, पैसा कमाओ, प्यार व्यार सब होता रहेगा बाद में, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल कोई ट्रिप आ नहीं रही है, और मेरे को थोड़ी बहुत नींद भी आ रही है, इस चक्कर में मैं अपनी आईडी अभी बंद कर दूंगा 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के मैं नींद लूंगा, और नींद लेने के बाद अगर आपको भी कभी नींद आए तो गाड़ी साइड में लगा के रोक कर, जो कि मैंने बोला देख कर लगाना साइड में रोक कर, पेट्रोल पंप वगैरह पे जहाँ 2-3 गाड़ियाँ हों वहाँ लगा कर आराम से अपना सो जाए 1 घंटा, ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि चलती गाड़ी पर नींद आती है, और मौसम आज ठंडा है वैसे भी, तो आज कोई एसी चलाने की नीड भी नहीं है, हम आराम से थोड़ी देर सो जाएंगे, आधे घंटे का 1 घंटा आसपास नींद ले लेंगे, नींद लेने के बाद फिर अपनी आईडी ऑन करेंगे दोबारा, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब तक मैं सो लेता हूँ सो के उठ। तो अब दोस्तों फिलहाल हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, मेरी ट्रिप आई है एक एयरपोर्ट की, जो कि पटेल नगर से उठाना है, और एयरपोर्ट हमको छोड़ना है IGI टर्मिनल 3 पर। तो पहुँचते हैं एयरपोर्ट, दिखाते हैं आपको, और ये टाइम सुबह का हो गए 4:22, और बाहर आप देख सकते हैं ट्रैफिक फिलहाल अभी भी है, देखिए दिल्ली के अंदर ट्रैफिक हमेशा रहता है, जोमेटो वाले भाई काम कर रहे हैं देख सकते हो। और रात में आपको क्या करना है,
सबसे बड़ी जो ट्रैफिक में जो रात में जो है ना ट्रक चलते हैं, आपको उन ट्रक से ही बच के चलना है रात को, थोड़ी दूरी बना के चलना है, क्यों रात को ट्रक जो ट्रक वाले जो होते हैं वो नशे में होते हैं ज़्यादातर, तो उनसे भी आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, ठीक है। तो दोस्तों इस समय फिलहाल मैं आ चुका हूँ फाइनली एयरपोर्ट पर, और जो मेरा टोकन नंबर है वो है 125 से 130 के बीच में, यहाँ पर टोकन नंबर लगते हैं। जब आप गाड़ी लेके आएंगे अपनी तो आपका टोकन नंबर होगा कि आपका इतनी गाड़ी के बाद आपका नंबर आएगा, और आपको दिखाता हूँ मैं एयरपोर्ट के दर्शन कर लो सुबह सुबह। ये देखिए मेरा टोकन नंबर 125 30 ओला से लेके आया था, और ये एयरपोर्ट देखिए सामने, यहाँ से जो होता है वो एंट्री गेट है, और यहाँ पर आपको गाड़ी रोकना अलाउड नहीं होता, खड़े आपको यहाँ पर गाड़ी रोक नहीं सकते। अभी हम वेट करेंगे अपने टोकन नंबर का, उसके बाद चलेंगे राइड उठा के यहाँ से घर की तरफ। सुबह के बज रहे हैं 6:48 और हम इस समय एयरपोर्ट पे ही हैं फिलहाल। जब से मैं बैठा हूँ एयरपोर्ट पे अपना वही रात में लेके आया ट्रिप 4:30 के आसपास, 4 बजे से एयरपोर्ट पे बैठा था, जब से अभी तक मेरे पास कोई ट्रिप नहीं बची है, 2 घंटे मेरे वेस्ट हो गए, 2.5 घंटे। अब मेरे को आ रही है नींद और मैं जा रहा हूँ घर के लिए। अब मैं आईडी बंद कर रहा हूँ अपनी और घर जाकर रात में सोऊंगा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, काम नहीं हो पाएगा मेरे से, और दिखाता हूँ आपको मैंने काम कितना करा है 6 घंटों में 5.5 घंटों में। चलते हैं फिर थोड़ा काम। ये देखिए लास्ट ट्रिप मैंने मारी थी एयरपोर्ट की 336 रुपये की ये, और मेरा टोटल काम हुआ है 805 रुपये का, और मेरा ऊबर के अंदर हुआ है 291 रुपये का, ठीक है 8 × 3 = 1100 रुपये लगभग काम हुआ मेरा 6 घंटे में। तो फिलहाल दोस्तों आपने देख लिया होगा नाइट में काम कैसा है, और मैंने आपको बता ही दिया है कि रात में किन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। और एयरपोर्ट आप फिलहाल 2 या 3 बजे के आसपास ना आए तो बेटर है, क्योंकि 2-3 बजे बाद ट्रिप नहीं मिलती 7 बजे तक, 3-4 घंटे आपको फालतू बैठना पड़ेगा एयरपोर्ट पर। तो अब मैं जा रहा हूँ घर पे, अपने घर जाकर रेस्ट करूँगा, तो मिलते रहेंगे आपको हर तरह की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।